सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और सेकेंडली आपने मुझे भरत का वो भी करेक्ट है क्योंकि मैं पॉपुलरली भरत के नाम से ही जाना जाता हूँ. दैट वॉज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर जो मैंने किया. एनी वे कमिंग बैक, तुषार को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और हम लोग क्लोजली एसोसिएटेड भी. तो जब इसने मुझे बताया मिसेज इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है हमारे देश में स्पेशली औरतों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है बचपन से, चाहे हम लोग कितनी भी तरक्की कर ले, कि शादी इज द एंड ऑफ इट, ख़त्म. शादी के बाद लाइफ एकदम उल्टा यू टर्न ले लेगी और उसके बाद में खाली मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ससुराल, सिर्फ यही तुम्हारी लाइफ है. वेल एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, क्योंकि अगर एक आदमी को काम करने का पूरी आज़ादी है, हक है और वो जो चाहता है कर सकता है, तो वही हक, वही फैसिलिटीज़, वही चीज़ें सब एक औरत के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए. और वो मिसेज इंडिया प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लैमर, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर पर्सनैलिटी. आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका वजूद क्या है, एज अ वुमेन व्हाट डू यू फील, आपको इस देश के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं आप. एक क्योंकि एक सोसाइटी, एक देश बनता है एक घर से, एक परिवार से. जो एक औरत एक घर परिवार चलाती है वो आगे चल के इस देश को सुधार सकती है, चला सकती है, बना सकती है. तो ये बातें बहुत बड़ी है और बहुत डीप लगती है, लेकिन बेसिकली शुरुआत यहीं से होती है. जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ से ही औरतों को मौका मिलता है आगे आने का, और वो फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाती है, और इसी तरह दिस इज हाउ द वर्ल्ड, द कंट्री, द नेशन प्रोग्रेसेस. ये मेरे थॉट्स हैं इसके ऊपर. थैंक यू वेरी मच सर. क्या कहूँगी, ये एक बच्चों के एजुकेशन का प्रोग्राम है. मैं तो बस दिव्या की हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी कॉज के लिए उसने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कब उसका वक्त निकल गया, लाइक इतना टाइम उसने बच्चों को दिया है, और उसका एक ही मकसद होता है मेरे बच्चे सब 90% मार्क्स लाए. एंड शी इज़ वेरी डिवोटेड, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी स्वीट. वो मेरे पास आई, मुझे पता नहीं क्या पॉजिटिव वाइब्स मिले उससे, आई सेड ओके आई टेक केयर ऑफ़ यू. मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, जितेंद्र जी मेरे हस्बैंड के रोल प्ले करते हैं काफ़ी सीरियल्स में, इनको बोला तो इन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला. फिर अपने विजय भाटिया जी एक आवाज़ पर चले आए. इसमें यही हमारे आर्टिस्ट की यूनिटी होती है, यू नो दिस इज़ वॉट, कि उसने बोला तो चले जाना है. फिर पंकज जी भी आए, दिलीप पटेल जी भी आए, तो इट वॉज़ वेरी नाइस. आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जे एंड जितेंद्र जी, टू मेक दिस इवनिंग अ वेरी ब्यूटिफुल वन. जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, और ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए जो भी काम हो वो हमें सबको बढ़ चढ़ के करना चाहिए. मुझे जैसे ही दलजीत जी ने फ़ोन किया और बताया कि दिव्या नाम की एक लेडी हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ एजुकेशन के लिए नौछावर कर दिया, एक तरह से अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है. हम तो दलजीत जी के लिए आए हैं, और वैसे मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं दिव्या जी के लिए कि वो जो काम कर रही हैं वो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं. शायद ऐसे लोग, बहुत सारे लोग चाहिए हमें इस देश में जो ऐसा करें. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दलजीत जी का, जिन्होंने मुझे इस बहुत ही शुभ अवसर पर बुलाया है. थैंक यू वेरी मच. विजय भाटिया जी, आप इस आज के इवेंट के बारे में पहले क्या कहेंगे, उसके बारे में पूछिए, फिर मैं बताइए, तो फिर मैं आपसे कुछ और. इस इवेंट में मेरे पहुंचने का जरिया है अरुण जी और दलजीत जी, आपस में कनेक्ट हुआ, एक दूसरे को जानते हैं, और मैं यहाँ पर आकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पंकज जी के साथ भी काम कर चुका हूँ, जीतू सर के साथ भी काम कर चुका हूँ, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिलता. यहाँ आए, मिले, बहुत अच्छा लगा. अब यहाँ पर आए तो क्या हुआ, आया तो देखे यार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है. सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एजुकेशन. बचपन से हमेशा, मुझे नहीं, हर बच्चे को ही तकलीफ होती है यार, पढ़ाई नहीं करनी पड़े, बस कुछ हो जाए पढ़ना ना पड़े. डैडी बहुत बोलते थे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले. पढ़ाई की, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, और आज जाकर ये बात समझ में आई कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप उस अपने फील्ड को परस्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एन एडुकेटेड पर्सन इज़ अ बेटर पर्सन, इज़ अ बेटर प्रोफेशनल. तो मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस जरिए से यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा बच्चे जो कुछ भी करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी कीजिए. और इन लोगों की सराहना करना चाहूँगा, दलजीत जी की, दिव्या जी की, जो इतना बड़ा कॉज लेकर चल रहे हैं. एन एडुकेटेड नेशन इज अ प्रोग्रेसिव नेशन. विजय भाटिया आपसे सवाल है, कि विजय भाटिया आदमी तो नाम ऐसे ही बोलता है, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो VIJEQ.
ये भी बहुत बहुत एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है। क्या हुआ? मम्मी डैडी ने नाम रख दिया विजय भाटिया, और नाम मैं बदलना नहीं चाहता था, लेकिन होता क्या था, हर क्लास में जैसे टीचर बोले विजय तो 5 लड़के खड़े हो जाएं। आगे चलकर ऐसा हो एक लड़की का नाम भी विजय निकला। मैंने बोला अब तो ये टेंशन ज़्यादा हो रही है, तो अब नाम मैं पूरा का पूरा बदलना नहीं चाह रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई इसको स्टाइलाइज कर दे, वैसे भी तुम बड़े ग्लैमर और स्टाइल वाली इंडस्ट्री में रहते हो, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, ए वाई को गिरा देते हैं, ई लगा लेते हैं, तो वी आई जे ई हो जाएगा, बड़ा फ्रेंच टाइप हो जाएगा, विजय हो जाएगा। मैं बोला चलो अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, तो इसलिए वो विजय से विजय हो गया। सो होप इट इज नॉट वीडियो जोकी, राइट? विजय इज वीडियो जोकी। अब क्या करें, नाम का असर पड़ता है, धीरे धीरे सारे काम भी बदलते गए, बहुत कुछ होता गया, आया था सिर्फ एक्टर बनने, बहुत कुछ बन गया इसी जगह पर। Ali Merchant is a very good close friend. I am really happy that Ali Merchant is performing. So that is one of the prime reasons why I am here. Also, any new place, any new party place is really exciting. They tend to look the same, but actually everything has a different perspective to it. So I've just come here to check out ki kya naya hai, kya alag hai. With the festival season, Christmas, New Year, this is the time to party, and a new party place is always welcome. I really did not check it out in detail, but I just got a glimpse of it, and it looks interesting in the sense that the lighting is very new, with lots of new kinds of lights coming in, lot of LED work and lot of smoke effects, and अभी तक जितना देखा है मुझे, मैं lighting से बहुत ज़्यादा impressed हूँ, and also the space is good, अच्छी बड़ी जगह है। New Year plans, I am going to be home with my friends. That's the only plan, and that is what I would tell everybody. Please, my message to everybody would be, please do not drink and drive, and please do not get wild. It is just a new year. You have another life after that. You know, इस साल ख़त्म हुआ है और अगला साल शुरू हुआ है, ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी है कि आज ही कर लो जितनी पार्टी करनी, it's not like that. So please be careful, be safe, drink in your limits, and आईवा इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जितना मुझे समझ में आता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो आर्टिस्ट हैं, जो नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम पढ़ाई इंडस्ट्री में, उनको ये सपोर्ट कर रही है, इट्स अ वेरी गुड कॉज। और ये आज इनका 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर। और मैं दलजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ में अमर का आज जन्मदिन भी है, ये डुअल सेलिब्रेशन हो जाता है, तो मेरी तरफ से अमर को भी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद।